चलो बच्चों, अब हम देख लेते हैं अपना अष्टमी पाठ का जो है सूक्ति स्तव का अभ्यास प्रश्न। अच्छा, इसमें अभ्यास प्रश्न में हम लोग देखेंगे कि सर्वान श्लोकान। चलिए अब हमारा अभ्यास शुरू हो जाता है। इसमें दिया है बच्चों, सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत। सब श्लोक का आप सस्वर गायन करेंगे, छात्र छात्राएं इसको गाएंगे। जैसे मैंने पढ़ा था ऐसे ही आप पढ़िएगा। उसके बाद श्लोकांश मतलब योजयत, श्लोकों का आप मिलान करिएगा इसमें। तस्मात तस्मात प्रिय वाक्यम, इसका आपका कहाँ पर है देखिएगा, वचने का दारिद्रता, यानी कि इसमें हो गया कि तस्मात प्रियम ही वाक्य, हम प्रिय वाक्य बोलेंगे क्योंकि वचनों को बोलने में क्या दरिद्रता। मैंने बोला था आपसे गच्छन पिपील को याती, इसका आपका योजना नाम शताय पी है ना, प्रिय वाक्य प्रदाने, इसका है सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, किं भवेत तेन पाठेन, जीवने यो न सार्थ कहा, और लास्ट है का कहा प्रश्न पिकह कृष्ण को भेदा पिक का कहो, है ना। ये तो आपके पढ़े हुए ही थे। और उसके बाद आपने कहा कि प्रश्न नाम उत्तराण लिखत, आप प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे कि सर्वे जंतवा केन तुष्यन्ते, सभी लोग केन तुष्यन्ति बोलना चाहिए कैसा, तो इन्होंने बोला कि सर्वः जन्तवः प्रिय वाक्य प्रदानः तुष्यन्ति, सभी लोगों को प्रिय वाक्य प्रदान करेंगे। पिक का कयो भेदा कदा भवति, पिक कोयल और कौए में कौन भेद होता है, तो आप क्या बताएं किस समय भेद होता है। हमने बताया आपको बसंत समय पिक का कयो भेदावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहा कच्छन योजना नाम शतान्यतिपि याति, कौन चलकर योजना नाम बहुत से योजन को पार कर लेता है, तो पिपील कहा बताया था ना, पिपील कहा गच्छन योजना नाम शतान्यपियाति, है ना। और सबसे आखिरी आपका है अस्माभि किम वक्तव्यम, अस्माभि आप अस्माभि कैसा बोलेंगे, तो आपने उसमें पढ़ा था ना श्लोक में कैसा बोलना चाहिए हमें, प्रियम वक्तव्यम, हमें प्रिय बोलना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद आपको बताऊं मैं कि उचित कथानाम समक्षम आम समुचित कथानाम समक्षम न इति लिखत, इसमें है उचित कथनों के सामने आम और अनुचित कथनों के सामने ना लिखेंगे आप, ठीक है ना। चलिए अब पहला आपका काकः कृष्णः न भवति, कहाँ भाई ये तो गलत है ना बेटा, तो आप क्या लिखेंगे, आम माने सही होता तो हम तो नहीं लिखेंगे, यहाँ पर ना कर देंगे। अस्माभि प्रिय वक्तव्यम, हमें प्रिय बोलना चाहिए, हाँ ये ठीक है हमें तो प्रिय बोलना चाहिए। उसके बाद गा वाला देखिए आप, बसंत समय पिक का देव भेदा स्पष्टा भवत, बसंत के समय पिक मीन्स आपको बताया है ना कोयल और कौए का भेद स्पष्ट हो जाता है, आम है ये तो सच है। वैंते हा पशु अस्ति, वैंते जो एक पशु है क्या बताइए, नहीं पशु नहीं है वो गरुड़ को, गरुड़ बोला है ना हो जाएगा यहाँ, बचने दारिद्रता ना करता भी, बचनों में अपना मीठी बाड़ी बोलने में दरिद्रता बताई है कभी ने आपको, नहीं दरिद्रता नहीं बताई है, आम है ठीक है, हाँ ये सच बात है। चलिए अब आपका है मंजूषातः सार समानार्थकानि पराणि चित्वा लिखत, आप उसके जो है सही भरेंगे, वचने
वचने का समानार्थी, समानार्थी मतलब इसका इसका दूसरा अर्थ, ठीक है ना। वचने माने तो आप बना लेंगे कथन, ठीक है, कथने कर देंगे, इसी का क्रियावचन बना दीजिएगा, कथने कर देंगे हम। और है वेन्तेह, वेन्तेह मीन्स हो जाता है गरुड़, ठीक है, इसका अर्थ है दूसरा गरुड़ है। पुस्तके, पुस्तक को आप ग्रंथ से जोड़ सकते हैं ना, ग्रंथ हो जाएगा। और उसके बाद आपका आ गया है रवे, रवि जो है तो आप रवि को सूर्य से जोड़ दीजिए, ठीक है ना। और पिकह, पिकह जो है हमारी, वो पिकह मीन्स कोयल, मैं जब से ही आपको बता रही हूँ कोयल होता है ना। इसके बाद फिर विलोम पदानि योजयत, अब आप विलोम पद लिख दीजिए इसके, तो विलोम पद तो इन्होंने दिए हैं, इनको आपको मैच करना है, बहुत आसान है। सार्थक निरर्थक होता है, तो निरर्थक का कहाँ दिख रहा है, ठीक है ना। और दूसरा आपका है अनुपयुक्त, जो उपयुक्त नहीं है, तो अनुपयुक्त का हम लोग क्या कर लें, नहीं सॉरी कृष्णा पकड़ लेते हैं। कृष्णा का पहले आप कहाँ ले जाएंगे, कृष्णा को, कृष्णा को आप श्वेत से ले जाएंगे ना, श्वेत हो जाएगा। अनुपयुक्त का उपयुक्त, उपयुक्त लिखा है ना यहाँ, गच्छति मीन्स जाना होता है, तो आ गच्छति कर लो, आ जाए। और दीप, प्रदीपस्य, तो एक दीपक हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा बच्चों, धन्यवाद, आप इसको पढ़िएगा।